हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और आइए, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का टोटल 20 क्वेश्चन आता है एएलपी एग्ज़ाम में, और इसी सिलसिले में हम लोग को करंट अफेयर्स में याद करना पड़ता है राज्यों के मुख्यमंत्री, और राज्यों के गवर्नर। तो ये दोनों चीज़ को याद करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेट को याद करना पड़ेगा, वो भी ग्रुप वाइज। तो भारत के स्टेट को 6 ग्रुप में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके बाद मतलब कि एक होगा मिडिल और एक होगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 6 भाग में, यानी सेंट्रल इंडिया, मतलब इस तरह से। तो आप लोग को पहले हम इस भारत के नक्शा के द्वारा हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, आप लोगों को कैसे उसको याद करना है। तो आइए देखते हैं इस फिलहाल में। तो आप देखिए, आप कोई भी मैप निकालते हैं, मैप देखते हैं, तो सबसे ऊपर में क्या होती है, वो होती है उत्तर होती है। कौन सी होती है? उत्तर होती है। ऊपर में क्या होती है? उत्तर। नीचे में दक्षिण, नीचे में होती है दक्षिण, और उत्तर इधर हो गया, नीचे ये हो गया, और दाहिने साइड में क्या होगी? पूरब, और पीछे क्या होगी? पश्चिम। पीछे क्या होगी? पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पूर्वोत्तर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से इसका नामकरण होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्व भारत में कितने स्टेट हैं। तो पूर्व भारत में है 4 स्टेट, यानी कि पूर्वी भारत में 4 स्टेट आप लोग देख लीजिए। ये आपका नेपाल है, तो बिहार, ठीक है ना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसके अलावा वेस्ट बंगाल। ये आपका कौन सा भाग हो गया? ये हो गया पूर्वी भाग। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे तो किस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि पूर्व वाले भाग में कौन कौन सा है? पूर्व यानी कि ईस्ट में। ईस्ट में कौन सा है लिखेंगे इसको? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। आप लोग इस सब का नोट्स बना लीजिए। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, 4 स्टेट है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और जब हम क्वेश्चन याद करेंगे, जैसे कि गवर्नर बताइए, तो बिहार का हम याद करेंगे, तो बिहार के बाद झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम सीएम याद करेंगे, तो बिहार का याद करेंगे, तो बिहार के बाद झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये चारों का एक साथ, यानी कि एक ग्रुप में जब भी कोई भी चीज़ याद करेंगे तो सब कुछ याद करें। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में कहाँ पे कितने लोकसभा सीट है, तो बिहार का याद करेंगे तो हम लोग पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा दोनों याद कर लेंगे। यानी कि हमेशा मतलब इस तरह के ग्रुपिंग आपको आ जाएगी, तो आपको याद करना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो ईस्ट हो गया, यानी कि पूरब हो गया। अब देखिए पश्चिम भाग में कौन कौन सा स्टेट है, भारत के पश्चिम में कौन सा स्टेट हो गया, सॉरी पूर्व में ये हो गया, पश्चिम में कितने स्टेट को रखा गया है? तो पश्चिम में रखा गया है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा। गोवा देखिए यहाँ पे है, महाराष्ट्र को चलिए कवर करते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए गोवा है, यहाँ पे ये हो गया महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान को भी पश्चिम भारत में ही लिखा जाता है। ये आपका हो गया 4 स्टेट कहाँ हो गया? पश्चिम भारत में, भारत के पश्चिम में 4 स्टेट। तो सबसे पहला है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एक दो भाई के जैसा है। पहले एक स्टेट था बॉम्बे, तो बॉम्बे को ही तोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा तो आप लोगों को पता ही है किस लिए फेमस है, वहाँ पर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा होती है और यह समुद्री के साइड का एरिया है, ठीक है। तो पूर्व भारत, पश्चिम भारत। अब देखिए उत्तर,
उत्तर में देखें कितने स्टेट हैं, उत्तर मतलब ऊपर में, तो ऊपर के साइड में आपको क्या दिख रहा है, स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये तो स्टेट है नहीं, तो ये है यूनियन टेरिटरी, यूटी है, तो इसकी गिनती फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये सब कौन सा भाग हो गया, ये हो गया आपका उत्तर भारत। उत्तर भारत में यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर के चलते हैं, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, हरियाणा अब आ रहे हैं, उसका फिर पंजाब है, और जम्मू कश्मीर का ये पूरा एरिया जो है, ये कौन सा एरिया है, यह है आपका उत्तर भारत। उत्तर भारत इसको कैसे याद करते हैं, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले लिखिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जब भी लिखेंगे तो पंजाब हरियाणा आप एक साथ लिखिए, उत्तर प्रदेश सॉरी हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा, उसके बाद यूपी और यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, ये पांच स्टेट को रखा गया है उत्तर भारत में, ठीक है। दिल्ली भी इसी में आ जाती है, तो लेकिन दिल्ली तो स्टेट है नहीं, तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, मतलब कि स्टेट की बात करें फिलहाल में। अब देखिए साउथ में यानी कि दक्षिण में, दक्षिण भारत में कौन कौन सा स्टेट, ये ऊपर ऊपर में तो हो गया उत्तर, नीचे में है दक्षिण, तो दक्षिण भारत देखिए कहाँ कहाँ से है, तो एक तो आंध्र प्रदेश को कवर कर लिया, ये देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना भी इसी में आ रही है, ये हो गया आपका साउथ रीजन। दक्षिण भारत में आपका पांच स्टेट होना चाहिए, कर्नाटक, केरल, सॉरी ये देखिए केरल, कर्नाटक, कर्नाटक केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये पांच स्टेट है जो कि आपका कौन सा है साउथ में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे याद करने के उद्देश्य से, यानी कि केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अब देखिए पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपका हो गया, पांच स्टेट हो गया इस तरह से। अब देखिए सेंट्रल में कौन सा है, यानी कि बीच में, यानी कि मध्य भारत में कौन सा है, तो मध्य भारत में दो स्टेट है, एक है एमपी और दूसरा है सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी और सीजी यानी छत्तीसगढ़। अब देखिए अब आते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, इसी को कहा जाता है सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स इसको कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि सेवन सिस्टर्स, तो सिक्किम, सिक्किम, उसके बाद असम, मेघालय, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश,
कितना हो गया, 3 अरुणाचल प्रदेश, उसका मणिपुर, मिजोरम। ये आपका 7 स्टेट कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट का। अब देखिए कि जो भी चीज़ हम लोग याद करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार ये आपका, ये हमारा इंडिया है, भारत है। यहाँ पे तो आ गया नेपाल, नेपाल हमारा यहाँ तक है, इधर ये तो आपका हो गया नेपाल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बसा हुआ है एक स्टेट जिसको कहते हैं सिक्किम। सिक्किम मात्र इतना सा जगह में बसा हुआ है, नेपाल से भी सट रहा है, चाइना से भी है और तिब्बत से। भारत का 3 देश से सटता है सिक्किम, और इसी को कहते हैं चिकन नेक, जिसका कि यहाँ पे जो एरिया है ना वो मात्र 20 से 25 किलोमीटर का एरिया है। तो इसमें सिक्किम यहाँ पे है, उसका भूटान एक दूसरा देश है, अरुणाचल प्रदेश, असम। असम देखिए कितना दूर में फैला हुआ है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये जितने भी ये जो 7 स्टेट हैं हमारे भारत का, ये सब के सब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। जैसे कि नीचे देखिए बर्मा म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, यानी कि ये पूरा का पूरा भारत के बीच में इधर है बांग्लादेश, जो कि पहले 1971 से पहले था पूर्वी पाकिस्तान। कि आई होप कि आप लोग पूरा चीज़ को आप एक बार याद कर लिए होंगे, इसको लिख करके रिवाइज करिए, फिर जब हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे इस पर बहुत सारा आपको क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनेगा जीके का। इसलिए आपको पहले हम बेसिक ही आपको एक बार दिखा दिए कि भारत के मैप में किस तरह से कौन सा राज्य कहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा राज्य यहाँ पे कहाँ पे है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, और आप लोग अगर लोको पायलट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन स्मार्ट वीडियो कोचिंग, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।